गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अभिनय सिंह तोमर और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई। इस वीडियो में आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है, ये आप चैप्टर स्टार्ट होने के बाद देख ही सकते हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि वास्तव में जो आपके आयन होते हैं, सही है, किसी परमाणु के ऊपर जो आवेश होता है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, वास्तव में किसी परमाणु के ऊपर वो निश्चित आवेश ही क्यों आता है, प्लस में ही क्यों आता है या फिर माइनस में ही क्यों आता है। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि कैल्शियम पर प्लस का दो ही आवेश क्यों आता है, एक या फिर तीन क्यों नहीं आता है, और प्लस का ही क्यों आता है, माइनस का क्यों नहीं आता। तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को आप अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या फिर सगे संबंधी या फिर मोहल्ले पड़ोस के जो कोई भी है, शेयर जरूर कर दें भाई और हर किसी को बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि हम इस पर साइंस को समझ कर पढ़ते हैं ना कि रट कर। देखते हैं, देखो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको लास्ट में खत्म करते हुए बताया भी था भाई कि प्रत्येक परमाणु अपने कोष बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। तो उसका कारण समझे पहले। देखो आगे चलकर हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आवर्त सारणी। हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आवर्त सारणी को पढ़ने वाले हैं, सही है? ये आवर्त सारणी क्या होती है देखो, सही है, पहले तो यही समझे। जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाता है, जैसे हमने पढ़ा था 1 से लेकर 30 तक, तो इसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए तो एक टेबल बनती है, उस टेबल को ही कहते हैं आवर्त सारणी। तो अभी आवर्त सारणी के बारे में नहीं जानेंगे हम पढ़ेंगे उसमें एक वर्ग है जिसमें कुछ तत्वों को रखा गया है और नाम आप जानते होंगे अक्रिय गैसें, सही है। अगर नहीं जानते तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं आपको समझा रहा हूं और फिर जब हम आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल भी बताएंगे। इन्हें निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? निष्क्रिय गैस या तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग 18 या फिर शून्य वर्ग में रखा गया है। तो इतनी बात अगर आपको याद रह रही है तो अच्छी है, अगर नहीं याद रह रही तब भी हम देखते हैं। देखो जैसे कौन कौन से तत्व हैं, हीलियम आप पढ़ चुके हैं, नियॉन आप ये भी पढ़ चुके हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, सही है, ये तत्व हैं। इसके बारे में आप जानते हैं, ये है हीलियम, ये क्या है हीलियम, ये है नियॉन, ये क्या है भाई नियॉन, और ए आर है, ये ए आर आर्गन, ये क्या है आर्गन, और ये है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, और ये है जीनॉन, ये क्या है भाई जीनॉन, और ये है रेडॉन, सही है। तो ये 6 की 6 प्रमुख अक्रिय गैसें हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं इन्हें देखेंगे। देखो इनका परमाणु क्रमांक होता है, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, 18, 36, 54 और 86, ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं, सही है। तो 1-2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको समझा रहा हूं और उसी से काम चल जाएगा, सबके बारे में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है भाई। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे 2, इसका हम जानते हैं भाई 2.8, इसका भी हम जानते हैं 2.8.8, 18। अगले वाले में फिर 8 आएगा, इसके बाद फिर 8 आएगा और इसके बाद फिर, यानी कि प्रत्येक परमाणु अक्रिय गैसों में प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, किसे छोड़कर हीलियम को। तो हीलियम को अपवाद स्वरूप आप माने तो देखेंगे नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनॉन हो, रेडॉन हो, सभी के बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अक्रिय गैस स्थाई है। कैसी हैं? स्थाई। स्थाई होने का मतलब है किसी भी दूसरे परमाणु से इन्हें अभिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यावहारिक लाइफ में
मैं आपको समझाऊं तो आप जिस गली में रह रहे हैं उसमें जो सबसे अमीर व्यक्ति है, सही है, मतलब जिसके पास जो सबसे ज्यादा पैसा है आपकी गली में, तो गली के सभी लोग उस जैसा ही बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, वो अपने सारे खर्चे कर सकता है भाई, सही है। तो इसी प्रकार से पूरी आवर्त सारणी में ये अक्रिय गैस तत्व सबसे ज्यादा संपन्न होते हैं, संपन्न नहीं, आप ये कहेंगे सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, और सबसे ज्यादा स्थायी होने के कारण ही इन्हें किसी दूसरे तत्व से, इन्हें किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आवर्त सारणी में इनके अलावा जितने भी तत्व हैं वो सब इनके जैसा ही बनना चाहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जितने भी तत्व हैं इन्हें छोड़कर वो सब इनके जैसा ही बनना चाहते हैं। इनके जैसे का मतलब क्या है? अपने बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेने पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने पड़े, कितना भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अक्रिय गैस जैसा बनना है। तो आप समझ गए भाई कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्थायी विन्यास। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो सबसे ज्यादा स्थायी हैं पूरी आवर्त सारणी में, और मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में। आप नेचर में हीलियम को हीलियम जैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया होगा कि परमाणु कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, लेकिन अक्रिय गैसों के परमाणु भी मुक्त अवस्था में मिलते हैं। अक्रिय गैस HeHe के रूप में ही मिलेगी, Hc2 के रूप में नहीं मिलेगी, Ne2 के रूप में नहीं मिलेगी। जबकि देखो ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलता है आपको, हाइड्रोजन H2 के रूप में मिलता है आपको, नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलती है आपको। तो ये सभी तत्व यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन स्थायी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इनके बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये दूसरे परमाणुओं से साझा करते हैं, और साझा करके अपने निकट वाली अक्रिय गैस जैसा बन जाते हैं। और जब ये इनके जैसा बन जाएंगे तो इन्हें किसी से अभिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप याद रखेंगे हीलियम H2 के रूप में नहीं पाई जाती है, किसके रूप में? HE। नियॉन Ne2 के रूप में नहीं पाई जाती है, अपितु Ne के रूप में पाई जाती है, और इसी कारण सभी गैसें इसके जैसा बनना चाहती हैं, सभी तत्व इनकी तरह बनना चाहते हैं। तो आप ये वाली बात समझे कि अब कोई भी तत्व हो वो किसके जैसा बनेगा? अक्रिय गैस जैसा, जो उसके सबसे निकट होगी उसके जैसा बनना चाहेगा भाई। क्लियर है? तो अब आगे बढ़े हम, इतना तो क्लियर हुआ होगा आपको। तो देखते हैं, देखो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जो पहले भी मैंने बताए हैं, अब इस दृष्टि से हम उन्हें देखते हैं। जैसे सोडियम पहले मैं आपको बता चुका हूं, सही है भाई? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, यही होगा, अरे यही होगा, 281 11 हो गया। तो आप खुद देखो 281 11 इनमें से किसके निकट है? दो के तो निकट है नहीं, 10 या फिर 18 इसके बीच में है। देखो 10 और 18 के बीच में 11 है। अब ये किसके जैसा बन सकता है? क्या 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आर्गन जैसा बन जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन दान करके नियॉन जैसा? कौन सा आसान रहेगा? तो जो इसे आसान लगेगा वैसा ही कर लेगा, सोडियम को जैसा आसान लगेगा वैसा ही कर लेगा। देखो अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के दो तरीके हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले आर्गन जैसा बन जाए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे नियॉन जैसा बन जाए। तो कौन सा आसान रहेगा इसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके नियॉन जैसा बनना, किसके जैसा? नियॉन 28 विन्यास बनाना। देखो ऐसा ही बन गया, और जो परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर प्लस का एक आवेश आ जाता, और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सोडियम का आयन। क्या बोलेंगे भाई? सोडियम आयन या सोडियम का आयन। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए सोडियम आयन क्या होता है, तो सोडियम आयन Na प्लस होता है। क्लियर है भाई? सोडियम आयन क्या होता है? Na प्लस। सोडियम का परमाणु क्या होता है? Na।
परमाणु पर कभी भी आवेश नहीं होगा, जबकि आयन पर सदैव आवेश होगा। आयन शब्द भी जब लगाएंगे आप, जब उसके ऊपर कोई आवेश होगा। इतना क्लियर है भाई? अब अगला एक दो एग्जांपल और देता हूं। अब याद रखना, आपसे जब कभी भी मैं पूछूं सोडियम आयन क्या होगा, आप क्या जवाब देंगे? Na+। दूसरा देखो, क्लोरीन देखते हैं हम, 17 होता है भाई। क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक? 17, 2, 8, 7। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होगा? यही होगा भाई। अब ये किसके बीच में है? देखो ये भी इन दोनों के बीच में है, 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके बीच में ही तो है। अब ये किसके जैसा बनना चाहेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले आर्गन जैसा, 18 हो जाए, 2, 8, 8, या फिर 7 के 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और किसके जैसा हो जाए? नियॉन, 2, 8, 2, 8। तो अब आप खुद ही बताएं कि इसके लिए कौन सा आसान होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो एक बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकता है किसी दूसरे से। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कितने कर लेगा? 8। और जब एक इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु ग्रहण करता है तब उसके ऊपर एक माइनस का आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? एक माइनस का आवेश आ जाता है। तो अब ये किसके जैसा बन गया? आर्गन। अब ये क्या होगा? स्थाई। क्लियर है भाई? तो अक्रिय गैस जैसा बनना चाहता है। अब तो क्लियर हो रहा होगा, और इसे हम कहेंगे क्लोरीन का, क्लोरीन आयन। और क्लोरीन आयन को क्लोराइड आयन बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है भाई? क्लोराइड आयन। तो आप समझ रहे हैं क्लोराइड आयन क्या होगा? Cl-। जब कभी भी मैं पूछूंगा आपसे क्लोराइड आयन क्या होगा? Cl-। क्लियर है भाई? अब ऑक्सीजन को देखते हैं। देखो ऑक्सीजन का क्या होता है? 8। ये सारे आयन अभी यूज होंगे, लिखे जाएंगे, याद रखने हैं, बहुत हिसाब से लिखते हुए चलना है आपको, जब हम यौगिक पढ़ेंगे। सही है भाई? देखेंगे, देखो 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है, तो इसका विन्यास क्या होगा? 2, 6। अब 8 किसके बीच में आ रहा है? देखो आप खुद देख सकते हैं, 2 और 10 के बीच में 8 आ रहा है। तो ये कौन सी अक्रिय गैस बन सकता है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियॉन के जैसा बन सकता है, सही है? नहीं तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करके हीलियम जैसा, दोनों जैसा बन सकता है। तो आप खुद बताओ इसके लिए कौन सा आसान है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियॉन जैसा बनना या 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करके हीलियम जैसा बनना? जाहिर सी बात है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेगा और ये किसके जैसा बन जाएगा? नियॉन जैसा। और जब एक इलेक्ट्रॉन जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो उस पर एक माइनस का आवेश आ रहा था। अब देखो आप ये भी देखो, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस का आएगा या माइनस का, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो प्लस का आएगा या माइनस का। तो आप ध्यान रखें, Cl दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेने वाला क्या होता है? कर्जी ही तो होता है, अरे ऋणी तो होता है। अरे आप अगर पैसे की जरूरत है, दूसरे से पैसे ले रहे हैं, तो आप कर्जिए हुए, कर्जबंद हुए, उस व्यक्ति के ऋणी हुए। तो आप याद रखना, जब कोई परमाणु किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर माइनस के चार्ज आएगा, ऋणी हो जाएगा वो उसका। एक लेगा तो एक यूनिट का ऋणी हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 यूनिट का ऋणी हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा 3 यूनिट का ऋणी हो जाएगा, यानी कि 3 लेगा तो उस पर 3 माइनस के आवेश आएंगे, 2 लेगा तो माइनस के 2 आवेश आएंगे। क्लियर है भाई? तो यहां पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, आपको दूसरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन लेने पर माइनस का चार्ज आ रहा है तो देने पर क्या आएगा भाई? प्लस का, अपने आप ही। सही है? तो एक ही याद रखो आप। क्लियर है? तो देखेंगे 2, 8, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस का चार्ज और किसके जैसा बन गया? नियॉन। और ये ऑक्सीजन का आयन है, ऑक्सीजन आयन क्या है भैया? ऑक्सीजन का आयन, और इसका नाम है ऑक्साइड आयन। क्या कहते हैं इसे? ऑक्साइड आयन। लिखते चले, अगले वीडियो में हम इन आयनों का उपयोग कहां करते हैं यही पढ़ने वाले हैं भाई। अब तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेता है, 3 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 3 लेने पर नियॉन जैसा बनेगा ही नहीं, सही है? और 1 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 1 लेने पर भी नियॉन जैसा
नहीं बनेगा, अर्थात इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे। क्लियर है भाई? और कुछ तत्वों को देखें हम, जिससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए आपकी। तो देख रहे हैं, देखो ध्यान से देखें भाई, जैसे मैं आपको बता रहा हूं मैग्नीशियम, सही भाई, मैग्नीशियम को हम देखते हैं। क्लियर है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 12। और लिखें जरा 2.8.2, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा? और 12 किसके बीच में है? देखो 12 नियोन और आर्गन के बीच में है, तो या तो ये नियोन जैसा बन सकता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर, या फिर इलेक्ट्रॉन लेकर किसके जैसा बन सकता है? आर्गन। अब आप देखें कि या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, सही है, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो कौन सा आसान होगा आप खुद बताएं। अरे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना ही तो आसान होगा इसके लिए। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और किसके जैसा बन जाता है भाई? नियोन के जैसा बन जाता है। और इसीलिए इस पर कितने प्लस के आवेश आ जाएंगे? 2। जब इसने दिए हैं तो मालदार होगा ये, यानी कि बहुत सारा वो होगा इसके पास पैसा, आप ऐसे मान सकते हैं भाई। तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए? प्लस के 2। क्लियर है भाई? जैसे एल्यूमिनियम को हम देख रहे हैं और इसे बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। अगर आपसे जब कभी भी मैं ये कहूंगा मैग्नीशियम आयन क्या होता है, तो आप बोलेंगे Mg+2 चार्ज होता है इस पर। क्लियर है भाई? जैसे एल्यूमिनियम कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक? इसका होता है परमाणु क्रमांक 13, 2.8.3। क्लियर है भाई? अब देखो 13 भी किसके बीच में आएगा भाई यहां पर? अरे 13 भी किसके बीच में आएगा? यहीं पर आएगा। तो आप देखो जरा ध्यान से, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आर्गन जैसा बन जाए, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्याग कर किसके जैसा बन जाए? नियोन जैसा। तो कौन सा आसान रहेगा? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना। और जब कोई परमाणु त्यागता है इसका मतलब उतने ही उस पर प्लस के आवेश आ जाते हैं। तो एल्यूमिनियम पर हमेशा कितना चार्ज होगा आप बताएं? प्लस के 3, और इसे कहेंगे एल्यूमिनियम आयन। क्लियर है भाई? अब क्लियर हो रहा होगा एल्यूमिनियम आयन क्या होता है? Al+K3। सोडियम आयन क्या होता है? Al+1। और क्लोराइड आयन क्या होता है? Cl-। ऑक्साइड आयन क्या होता है? O-K2। मैग्नीशियम आयन क्या होता है? Mg+2। अब तो क्लियर है ये। अगला देखते हैं, देखो जैसे पोटेशियम। क्लियर है भाई? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 क्या होता है? 19 और 2.8.8.1 यही तो होगा। अब जरा देखना 19 किसके बीच में आएगा भाई? 19 आएगा यहां पर, तो इसमें तो कुछ देखना भी नहीं आपको। सही है भाई? 18 और 18 से 36, क्या 19 के बाद 17 इलेक्ट्रॉन ले सकता है कोई परमाणु? अरे 19 के बाद 17 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसमें तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है आपको 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसके जैसा बनना है? आर्गन जैसा। इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है भाई। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये क्या बन गया? K+। यानी कि इसे कहते हैं हम पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन क्या होता है भाई? K+। याद रहेगा पोटेशियम आयन क्या होता है? K+। क्लियर है भाई? अगला हम देखते हैं, जैसे आप देखेंगे भाई कैल्शियम को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कैल्शियम। क्लियर है? तो देखो 20 होगा इसका, 2.8.8.2, और फिर देखो 20 भी यहीं पर आएगा, तो 20 से 16 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता किसी दूसरे से, तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन मजबूरी है उसकी, 2 इलेक्ट्रॉन उसे त्यागने पड़ेंगे। क्लियर है भाई? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा, और ये बन गया आपका कैल्शियम का आयन, यानी कि कैल्शियम आयन। आप देखकर बताएं, अब आपसे अगर कोई ये कहे कि कैल्शियम पर प्लस वन का चार्ज क्यों नहीं होता, क्या आप जवाब नहीं दे सकते भाई? आप जवाब दे सकते हैं। आप कहेंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर ये आर्गन जैसी अक्रिय गैस संरचना नहीं बना पाएगा, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है ये, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आर्गन जैसी अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेता है। क्लियर है भाई? आप समझ पा रहे हैं? इससे ज्यादा आसान तरीका समझाने का शायद नहीं होगा। अगर आप शुरू से सारी वीडियो पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब आने के बाद इस वीडियो तक आने तक आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझने आने लगी होंगी, और अपने आप को एक स्टेबल मतलब
आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ भाई, और साइंस हम इतनी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, आप भरोसा रखें बस, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें वीडियो को, सही है? तो आप समझ गए भाई कैल्शियम आयन क्या होगा, Ca+2, क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं, क्लियर है भाई? इसके बाद देखो एक चीज और याद रखनी है आपको कि कुछ और तत्व होते हैं। देखो हमने 30 तक के पढ़े भाई, हमने कितने तक पढ़े, 1 से लेकर 30 तक, कितने तक पढ़े हमने, 1 से लेकर 30 तक, और इसमें से दो भाग कर सकते हैं आप, 1 से लेकर 20 तक और 21 से लेकर 30 तक। ये जो हैं बिल्कुल वही नियम फॉलो करते हैं जो पिछला वाला बताया मैंने, सही है? बिल्कुल उसी नियम के अनुसार आयन बनाते हैं। इनके आयन कैसे बनते हैं, पिछला जो नियम पढ़ा है अभी हमने, पिछले नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, पिछला वाला जो नियम पढ़ा उस नियम के, लेकिन इनके जो आयन बनते हैं वो थोड़े से अलग हैं। इनके जो आयन हैं वो क्या हैं, उनकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, तो इनके बारे में हमें ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं भाई, जो पिछले हमने पढ़े उनसे ही हमारा काम चल जाएगा, हमें एक दो याद करने हैं इससे संबंधित। तो मैं आपको बता दूं ये जो तत्व हैं इन्हें आगे जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो ये बोलेंगे कि इन्हें डी ब्लॉक में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, डी ब्लॉक में, और इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक ही परमाणु पर दो या दो से अधिक आयन बना सकता, एक ही परमाणु दो या दो से अधिक प्रकार के आयन बना सकता। जैसे लोहा, देखो आप लोहे के +2 भी चार्ज हो सकता है लोहे पर, और लोहे पर प्लस के 3 चार्ज भी हो सकता है, सही है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे थे आप, पहले केवल एक ही जैसा चार्ज होगा, अगर दो है तो दो ही रहेगा, एक है तो एक ही रहेगा। लेकिन ये थोड़ी सी आगे की बातें हैं भाई, सही है? तो आपको नहीं जाननी, एक दो के बारे में हमें याद रखना है, और मैं आपको इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगा इन चीजों को कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे लोहे पर कितने चार्ज होते हैं भाई, दो भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। एक और लिख लें आप, जैसे कॉपर, कॉपर पर भी दो चार्ज हो सकते हैं, या तो प्लस का 1 हो सकता है या फिर प्लस का 2। कॉपर पर भी दो आवेश हो सकते हैं, या तो प्लस का 1 हो सकता है या फिर प्लस का 2 हो सकता है। इतना क्लियर हो पा रहा है या नहीं ये बताएं भाई पहले, क्लियर है इतना? तो आपको यही दो के बारे में याद रखना है 30 तक, और ज्यादा नहीं, और एक दो हैं वो हम बाद में लिख लेंगे जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी। इतना क्लियर है? इसके बाद देखो एक बात और बताता हूं मैं आपको, जो हमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई और जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये तो केवल परमाणुओं के आयन थे, जितने भी हमने पढ़े परमाणुओं से आयन बने, लेकिन कुछ परमाणुओं के समूह भी होते हैं। कुछ आयन कैसे होते हैं भाई, कुछ आयन परमाणुओं के समूह भी होते हैं। क्या होते हैं, समूह भी होते हैं। जैसे SO4, इस पर माइनस का 2 आवेश होता है सभी पर। SO4, S का एक परमाणु है, O के 4, टोटल 5 परमाणु हैं, और सब पर मिलाकर केवल कितना आवेश है, 2। सब पर मिलाकर कितना आवेश है, माइनस के 2। जैसे एक और होता है NO3, इस पर माइनस का 1 चार्ज होता है, एक N का परमाणु है और 3 ऑक्सीजन के, टोटल कितने परमाणु हैं, 4, और 4 के चारों पर मिलाकर आवेश केवल कितना है, माइनस के 1। केवल कितना है भाई, माइनस के 1। जैसे एक और देखोगे आप PO4, इस पर माइनस के 3 चार्ज होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे P का एक है, ऑक्सीजन का 4, टोटल मिलाकर 5 परमाणु हैं और आवेश केवल कितने हैं, माइनस के 3। तो इन वाले तत्वों के, इनके बारे में जो परमाणुओं के समूह आयन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तव में ऐसा क्या होता है, सही है? ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, और फिर उनसे हम आगे की चीजें किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भाई कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं, आप अपना सुझाव भी दें भाई,
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट खाली हैं, टाइम नहीं कट रहा, 10वीं क्लास के, 9वीं क्लास में के, 11वीं के, 12वीं के सभी बच्चे अगर पढ़ेंगे तो खाली नहीं रहेंगे भाई, टाइम वेस्ट नहीं रहेगा। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने साथियों को ऐसा कुछ दें जिससे उनका समय आसानी से व्यतीत हो और आने वाले समय में जब वो क्लासों में जाएं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बहुत सारा समय खराब हो चुका है भाई। जून से पहले जो स्टडी चलती थी एक महीने की, वो तो सारी बेकार हो गई। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हर किसी को शेयर करें, अपने मोहल्ले में जितने भी लोग हैं जिनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं, रिश्तेदारियों में जो भी कोई है उसे इस चैनल के बारे में बताएं। तो इतना जरूर करें भाई, धन्यवाद।